मेरे देशवासियों, कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहत परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। हम नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। साथियों, देश में दवा से लेकर के राशन तक पर्याप्त भंडार है। सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। निरंतर न्यूज़ अपडेट कोसम चैनल नो सब्सक्राइब చేయండి, పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ నో క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి, అప్డేట్స్ ని మిస్ అవ్వకండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్, ఫాలో ఆన్ Facebook, Google+, Twitter, Instagram. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ.